जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें बताइए कहां पे दिख रहा है एक्शन। जी तो खबरों के दम पर किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में हमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 3.4% का बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, 1559 करोड़ का जो है रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने मिली है 29% की। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में रहेगा, कंपनी का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 11% का ग्रोथ देखने मिल रहा है, वहीं नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो है 76% ये क्वार्टर में, 1436 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसी के साथ इबिट्टा देखेंगे तो वहाँ पे भी 13% का हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसी के साथ मूविंग ऑन EID पेरी फोकस में रहेगा, अगर रेवेन्यूज की बात करें तो 4% की गिरावट देखने मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 30% की गिरावट देखने मिल रही है, 226 करोड़ वर्सेस 325 करोड़ कंपनी ने जो है अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। उसके साथ इबिट्टा की बात करें तो वहाँ पे भी हमें 27% की गिरावट देखने मिल रही है और वहीं मार्जिन्स पर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इसके साथ मेजगन डॉक दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 8% की हमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है, वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 121% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है, 696 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वर्सेज 314 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर इबिट्टा की बात करें तो वहाँ पर हमें 2.7 times जो है इबिट्टा बढ़ते हुए दिखा है, 642 करोड़ वर्सेज 172 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ NBCC फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी को जो एक 528 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला और ये जो ऑर्डर है हरियाणा सरकार की तरफ से हमें आते हुए देखने मिल रहा है। NBCC 173 का भाव है, हरियाणा सरकार से 528 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, इसके नतीजे भी ठीक ठाक आए थे NBCC के। ये कुछ शेयर से जहां पर आज खबरें आई हैं और खबरों के चलते थोड़ा मोड़ा एक्शन आज में देखने को मिल रहा है।